नहीं सर, माइक की जरूरत है। साथियों, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 19वां दिन है। आज हम मालदा से यहाँ जंगीपुर आए हैं और रास्ते में हम ऐतिहासिक फरक्का बराज से गुजरे थे। मालदा से लेकर जंगीपुर तक सड़कों पर इतने लोग खड़े हुए थे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग राहुल जी को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर और बहुत उम्दा स्वागत देने के लिए। बीच में राहुल जी बीडी श्रमिकों से भी मिले, महिला बीडी श्रमिकों से भी मिले और उनसे बातचीत की कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस मात्रा में आज हमने लोगों को देखा मालदा से लेकर जंगीपुर तक, पहले 18 दिनों में हमने नहीं देखा है। जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, उत्तर दिनाजपुर में, सिलीगुड़ी में, सब जगह हमारा भरपूर स्वागत हुआ। पर आज जो स्वागत राहुल जी का हुआ है बिल्कुल अभूतपूर्व है और ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा जो है राहुल जी जो निकले हैं, पांच न्याय के बारे में जो बात करते रहते हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये संदेशा लोगों तक पहुंच पा रहा है। मैं आज और कल हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे, यहाँ से हम बहरामपुर जाएंगे और कल 3:30 बजे हम पश्चिम बंगाल से होकर झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये पश्चिम बंगाल का यात्रा जो है कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा लाई है, कांग्रेस संगठन में एक नई शक्ति आई है और ये न केवल कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा पर इंडिया गठबंधन को भी फायदेमंद होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। ये एक राष्ट्रीय गठबंधन है 28 पार्टियों का, अभी 27 हो गए हैं क्योंकि एक नेता ने पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो 27 पार्टियां हैं। ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के लिए है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली में लड़ते हैं विधानसभा के लिए, हम लेफ्ट के साथ केरला में विधानसभा में लड़ते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है पिछले 6-7 महीने से, जो हम कह रहे हैं, इसका एक ही मकसद है और वो मकसद है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली से बाहर निकालना। ये एक वैचारिक मुकाबला भी है, एक वैचारिक टक्कर है। वो लंबा समय लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पर बीच में चुनाव के मील पत्थर आते हैं और पहला मील पत्थर हमारे लिए 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो सभी पार्टियों को ये समझना चाहिए और कांग्रेस को भी समझना चाहिए। मैं सभी पार्टी जब मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को जोड़ता हूँ उसमें,
कि इंडिया गठबंधन को कमजोर हमें करना नहीं चाहिए, हमें जो कुछ करना है इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है। और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक विशेष महत्व रखता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि वो इंडिया गठबंधन में है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस बयान का स्वागत करती है और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि तृणमूल का निशाना बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी का निशाना भी बीजेपी है, हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से, अभी 18 हैं बीजेपी के, उसको हम घटाना चाहते हैं, हम उसको जीरो करना चाहते हैं, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। गठबंधन में बातचीत होती है, बातचीत में लेन देन होता है, हम कुछ लेते हैं दूसरी पार्टियां कुछ देती हैं, हम कुछ देते हैं दूसरी पार्टियां कुछ लेती हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज होता है, एक समझौता किया जाता है। और समझौता तभी किया जाता है जब सभी पार्टी ईमानदारी से खुलकर अपनी बात रखे, मीडिया में नहीं है पर जब बातचीत होती है फेस टू फेस, तो उसी भावना के साथ हम इस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखते हैं। तृणमूल और कांग्रेस पार्टी दोनों एकजुट हैं बीजेपी को हराने के लिए। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान भी आया है पर वो उनका बयान है, ये एक संयुक्त बयान नहीं है, एक संयुक्त बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट की जरूरत है कि हम इतने सीट में लड़ेंगे और अलग अलग पार्टियां कितने सीट में लड़ेंगे। वो संयुक्त बयान हम खुले मन से, सही नियत से और पूरी ईमानदारी से इस प्रक्रिया में शामिल हैं। हम कुछ मीडिया के द्वारा नहीं बोलना चाहते, पर जो कुछ बोलना है आमने सामने हमारे नेताओं के बीच में बात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में एक संयुक्त फॉर्मूला निकाला जाएगा। एक तरफा फॉर्मूला नहीं, हम नहीं कह सकते कि हम इतने सीट लड़ेंगे और पार्टी कह नहीं सकती हम ये सीट लड़ेंगे। बातचीत की जरूरत है, आमने सामने बातचीत की जरूरत है और सभी लोगों को, कांग्रेस पार्टी में, तृणमूल में, सभी पार्टी में लोगों को ये पहचानना चाहिए, नेताओं को ये पहचानना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं। तीसरी बात, जब 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू हुआ था, उसी दिन हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए मुहूर्त के विशेषज्ञ, मुहूर्त ढूंढने के विशेषज्ञ हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने मुहूर्त निकाला मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाने का, ताकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पटरी से निकाला जाए, पर उसमें वो सफल नहीं हुआ। जब हम बिहार पहुंचने वाले थे एक दिन पहले, उन्होंने नीतीश कुमार से पलटी करवाया, वो भी एक मुहूर्त। अभी कल जब हम झारखंड में प्रवेश हो रहे हैं, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसका मकसद एक ही है, किसी भी हालत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल ना होने दें। और जो कार्रवाई ये कर रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, राहुल जी को